ये चेक करें जी गाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? ठीक हो ना? ठीक करते हैं, खुशबाश टैटम टैट होंगे आप लोग। नई सुबह एक नया शेड्यूल, ये है कि थोड़ा सा जो है ना गाड़ी इशू कर रही थी, मिसिंग कर रही थी ये तसीफ साहब और उनकी गाड़ी, तो ये जो है ना हमने चेक करवाना आज इसको क्या इशू है। आज ऑयल शायल बदलवाते हैं इसका, शाम को हम कहीं जाएंगे, शाम को चला जाएंगे रेस कोर्स जाएंगे हम उधर रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए। शाम को हम जाएंगे जी रेस कोर्स पार्क, तो अभी हम चलते हैं किसी मैकेनिक को ढूंढते हैं। Few minutes later. जी तो ऑयल इसका चेंज करवाना था, ऑयल हमने चेंज करवा लिया, बिल्कुल एक पॉइंट ऑयल था, ना चले तो ना चले, रुक जाए तो फिर आगे बढ़ना। तो ये अभी ऑयल चेंज करवाया है, अभी हम सदर जा रहे हैं, इसकी कुछ शीटों शूटों का काम है वो करवा रहे हैं। तो मतलब सही, जब इसको आज इस पर 10-15 हज़ार इस पर लगा के शाम को ये फिर खड़ी कर देंगे गली में, किसी बंदे को चाहिए हो, किसी बंदे को जरूरत हो, किसी ने जेल हम लाहौर कहीं जाना हो, सती साहब से मांग लें, सती साहब कहेंगे ये चाबी है मेरा प्राण निकल। अभी आगे चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं, आज मौसम भी थोड़ा फिट ही है। ये बस ये लोग लिखा हुआ है मुगल साहब घरों निकल आए, फिर गड्डी रोड तर सट दी थी इन्हें, हूं चलाने नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। और सती साहब को गुस्सा चढ़ जाए फिर सती साहब जैसे बम्पर में बम्पर मारते हैं कुछ भी। क्यों सती साहब? देखे तब चढ़ गई है ये, देखें ओहो गुस्सा आ गया, ये आप इनको कट मारने के चक्कर में है। इधर ये भी मेरान है, आराम आराम से भैया साइड पे हूँ, आप देखिए वो पंप जाइए। ये बस पता नहीं कैसे लोग हैं, चलती नहीं है इनसे, रोडों पे ही आ जाते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, इस गाड़ी के ये शीशे लग रहे हैं ब्लैक, ये तो सब वरदाता पानी का, अंदर लाइट वगैरह ऑन हो या बहुत रोशनी कहीं पड़े फिर आता है, वैसे नहीं आता। एक काले शीशे करवा रहे हैं एक बरदात में, बाकी अभी काले पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर तो पता नहीं लग रहा था, एसी लगा हुआ था, बाहर तो गोबा गोबा गोबा। कैब पहनी है कोई थोड़ा आसरा है, लेकिन इधर जो है ना ये भाई साहब काम कर रहे हैं अभी, बाकी अल्लाह खैर करे, तो जब लगेगा तो फिर भी हम आपको दिखाएंगे कैसे लगता है और लगने के बाद कैसी लुक आती है। और कुछ करवाना नहीं बस, ते चलो बहुत गर्मी है, बाकी यार घर साड़ी तरह लूर लूर ना करो। मैच लाइक। तो गाइस जैसे कि अभी हमने पेपर शेपर लगवा लिया सारा, ये देखें लैग पेपर के बाद गाड़ी की लुक आई है, अंदर से इस तरह बाहर नज़र आता है और बाहर से ऐसे नजर आ रहे। और ब्लैक पेपर भी हमने टेंट करवा लिया सारा, ये 100% भी हुआ हुआ, इस पर तो खुदा की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और इस पर जो है ना फिर भी मतलब हल्का फुल्का लुक आता है, तो ब्लैक पेपर से जो होता है ना गाड़ी की लुक अच्छी हो जाती है, तो बाहर से पेपर महसूस होते हैं। और बस नहीं ना जी, मैं सवेरे ना उठे, हम नाश्ता भी नहीं किया, गाइस इसको समझाया कोई थोड़ा सा गड्डी ते 15 हज़ार ला छोड़े सर को 500 निशान निकला रहे हो। ते कमेंट करो कि इतनी कंजूसी चंगी नहीं होनी, थोड़ा बहुत 500 हज़ार खर्चना चाहिए। इस गर्मी में हम घूम घूम के भी आ चुके हैं इधर जूस लैंड पे, जूस लैंड है नज़र नहीं आ रहा, ये तो गर्मी बहुत है, देखते हैं देखो ना मैं ये भला मैंगो शेक, आई लव मैंगो, दो मैंगो शेक कर ले, दो मैंगो शेक कर, हाँ दो मैंगो शेक कर ले यार, ये इनके पास फ्रूट चाट ले यार, बुलाओ उसको दो मैंगो शेक कर लो। उसका ऑर्डर देने के बाद
तो आसिफ ने बस नहीं की। आसिफ कहता है यार साथ चिप्स भी हो जाए, इस गर्मी में चिप्स, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, इतनी गर्मी है वहाँ पे शीशे लगवाते। वाह जी वाह, सही है ये, तुसी मलक पे लगने हो। हाँ जी वाह हीरो, ये सही है, कौन सीता ना, ये सही लग रही है, ये लगने आंखों का ऑपरेशन करवा के हैं, ये भी सही लग। गाड़ी तो 1500 रुपया, अल्लाह माफ करे, मैं ये चेक करें जी गाइस, इधर ही हो, फुल मैंगो सीन है भाई, बीस पीले फिर करता है ना, ये तो जिंदगी में पहली दफा मैंने ऐसा शेक देखा है, है तो महंगा लेकिन है भी बड़ा वीआईपी। ये रहा, हम सारी जिंदगी पीते रहे वो 100 वाला जूस, 80 वो भी 80 का करवा के पीते रहे। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, फिर पीते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। डाटो मजो आयो, डाटो मजो आयो भाई, चौन सा डाला मैंने। गाइस जूस हमने पी लिया है, बहुत मजा आया है, आप भी एक दफा हमारे कहने पे ये ट्राई करें, आपका अंदर खुल जाएगा, इतना मजे का जूस है। और उसके बाद हमने ये चिप्स मंगवा लिए, अगर मुंह के जायके के लिए लिया लेकिन चिप्स ने तो एंड करा दिया, वो जूस ने बहुत मजे का जूस है, मैंने जिंदगी सारी में सदर में ऐसा जूस नहीं पिया जो उन्होंने आज पिलाया मुझे। बाकी है थोड़ा कॉस्टली लेकिन पैसे पूरे करते हैं ये अपने, तो अभी चिप्स खाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। Later. जी तो गाइस अभी हम शाम हो चुकी है, शाम को अभी हम आए रेस कोर्स पार्क, इधर काफ़ी अंधेरा है आपको कुछ नज़र कोई नहीं आएगा, रनिंग करनी है, मैं तो आपको पता है मेरा 20-25 किलो वज़न है सारा, मैं उस भी कम कर लूँ तो फिर मैं किधर जाऊँगा। तो अभी इसको हमने भेज दिया भागने के लिए, अभी मैं आपको बताऊँ ये फ्लैश मेरे मुँह पर आके कुछ नज़र मुझे कोई नहीं आ रहा कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ, रास्ता किस तरफ है। ये मतलब वैसे रावलपिंडी का बड़ा अच्छा एरिया है, आर्मी का आर्मी के अंडर आता है, इधर कोई फजूल लोग सरनी आते हैं ज़्यादातर, ये जो होते हैं ना फैमिलीज़ को तंग करने वाले, इधर सिर्फ फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। अच्छा ठीक है समझ गया, टाइम में पता नहीं चलता, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, अगर आप फिर फैमिली आना चाहते हैं आए यहाँ पे बैठे खाएं पिए घूमें फिरें वॉक शॉक करें जॉगिंग शॉगिंग करें। अभी मैं चलता हूँ कंटीन की तरफ, ये ना हो तो सीफ मेरे से पहले पहुँच जाए, तो सीफ गुम गया यार, तो सीफ नहीं मिल रहा मुझे, इसने मुझे कहा था वो कंटीन के पास आ जाओ, उसका मोबाइल भी मेरे पास है, मैं वो कंटीन सारी ढूंढ के आया हूँ, मुझे तो वो कहीं नहीं मिल रहा, कहीं बेहोश तो नहीं होगा रास्ते में, आज पहला दिन था उसका, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, अब मैं देखूँ कि वो कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा। ये देखें बच्चों के लिए स्केटिंग वगैरह भी है यहाँ पे, अभी देखें वो देखें वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, इधर भी नहीं है नीचे भी नहीं, ओ तो सिर्फ नहीं मिल रहा भाई, अंकल तसीफ को देखा कहीं पे, नहीं मिल रहा तसीफ, उसका मोबाइल मेरे पास है, ये इशू है मैं कॉल भी नहीं कर सकता, चलें आ जाएगा कहीं ना कहीं, कौन सा दुबई में तो नहीं घूम गया ना, पार्क ही है। गाइस मिल गया मुझे तसीफ, दूर खड़ा आपको शायद इधर नजर आए, ये ब्लैक कपड़ों में चल के आ रहा है, मैं आपको वहां ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा शायद उधर किधर ट्रैक पे गिर गए हैं आप, मैं दो चक्कर उधर लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत तेरा बुरा, एक तो गर्मी बहुत है, हाँ दूसरा बात नहीं होता, अब वो बात नहीं रही है ना, नहीं आ जाएगी बात, चार दिन की बात अंदर, अच्छा चलो जी। अच्छा तो रनिंग करने के बाद अभी हम आ चुके हैं एक चोटी पे, चोटी पे बैठे हुए हैं, ये देखें आप यहाँ से व्यू, अभी नीस को कॉल मिलाते हैं, नीस को कॉल मिला ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नीस साहब किधर हैं आप? मैं यार बैठा हूँ दुकान पे, सही तो हेलो, कितनी देर में आएगा? मैं 5 मिनट दुकान बंद कर रहा हूँ बस।
पाँच मिनट में दुकान बंद कर रहा है, फिर आएगा कितनी देर में? बंद कर रहा हूँ अभी, बंद कर रहा हूँ अभी, बंद कर रहा हूँ। अच्छा बंद करके फिर जल्दी आ, हम इधर रेस कोर्स में इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर आ गया भाई, दो मिनट रुको। ओके कॉल कर दी है, वो आ रहा है वहाँ से, तो अभी उसे कुछ कहते हैं कि हम कुछ खाने जा रहे हैं, फिर तो वो और जल्दी आता। क्यों आई है? करो उठे जा बेटा, इसको डरा रहा है। करो ब्लॉग का एंड, करो ब्लॉग का एंड, बोलो अल्लाह हाफिज। यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज इन्होंने करवाया, देखा बैठ उधर, गाइस आ चुके हैं सरदार, ये लोग रेस कोर्स से आ चुके थे, मुझे पिक कर लिया था वहाँ पर, तो इस घर पर आसिफ जो है उसको हमने घर ड्रॉप कर दिया है। कोशिश करेंगे हमारी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे व्लॉग आते रहे, अब कि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दिया करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो यही भी करते हैं हम व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।